हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मई चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेंस के बारे में, काल क्या होते हैं। ठीक है, तो काल क्या होते हैं? तो काल एक समय ड्यूरेशन होती है। इसमें तीन टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को मतलब प्रेजेंट टेंस को हम वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट टेंस को भूतकाल कहते हैं, फ्यूचर टेंस को भविष्य काल कहते हैं। ठीक है, पास्ट प्रेजेंट टेंस क्या होते हैं तो एक एक को बहुत क्लियर समझेंगे हम ध्यान से। ठीक है, ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रेजेंट टेंस उन्हें कहते हैं जो वर्तमान में कार्य हो रहा है, प्रेजेंट में जो कार्य हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ तो ये प्रेजेंट में वर्क हो रहा है। ठीक है, पास्ट टेंस क्या होता है? जो काम हो चुका है, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि हम खाना खा चुके हैं, है ना। तो हम खाना खा चुके हैं मतलब पास्ट टेंस, यानी कि पास्ट टेंस है वो। तो पास्ट टेंस में काम हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस वो होते हैं जो आने वाला है, भविष्यकाल जो आने वाला है। जैसे कि हम कल बाहर जाएंगे, हम कल ये खाएंगे, तो मतलब फ्यूचर टेंस में आएगा वो भविष्यकाल कहलाएगा। तो जो प्रेजेंट है वो जो वर्तमान में चल रहा है उसे प्रेजेंट टेंस, जो जा चुका है उसे पास्ट टेंस, और जो आने वाला है उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। ये तीन टाइप्स के होते हैं हमारे टेंस। अब इन्हें भी टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग फोर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फोर पार्ट्स कौन कौन से हैं वो चलिए मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। तो हमारे सभी सेंटेंस, तीनों सेंटेंसेस इन चार टाइप्स में डिवाइड हुए हैं। ठीक है, इनडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो तीनों सेंटेंसेस को हम इन चार पार्ट्स में पढ़ते हैं। पहला प्रेजेंट, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, ऐसे ही पास्ट को, पास्ट इनडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ऐसे ही फ्यूचर को, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, तो हम इन चार पार्ट्स में, इन तीनों सेंटेंस को इन चार पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर। तो कोई भी सेंटेंसेस जब हम बनाते हैं तो उसमें आपको सेंटेंस को समझने के लिए आपको पहले चीजें समझनी होगी। जैसे कि मान लीजिए हमारे सेंटेंस में तीन चीजें सबसे इम्पोर्टेंट होती है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं कर्ता, ठीक है, और एक होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? सहायक क्रिया, जिसको हम बोलते हैं सहायक क्रिया, जो हमारी हेल्प करती है हमारे सेंटेंस में। तीसरा होता है हमारी वर्ब, मेन वर्ब जिसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्रिया, जो हमारी मेन होती है, मेन, ठीक है, इसको हम क्रिया बोलते हैं। ऑब्जेक्ट होता है हमारा, क्या होता है ऑब्जेक्ट? जो उसमें कोई भी वस्तु होती है। ठीक है, तो ये चार चीजें हमारी सेंटेंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सब्जेक्ट जो करता होता है, जो उस सब्जेक्ट सेंटेंस में जो सब कुछ कर रहा होता है, जिसके बारे में बात हो रही होती है, उसको हम करता बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो हम उस सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम वर्ब भी सिंगुलर लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब लगेगी। ठीक है, सिंगुलर वर्ब। अगर प्यूरल हमारा सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्यूरल वर्ब लगेगी। ठीक है, प्यूरल वर्ब लगेगी। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, अगर प्यूरल है तो प्यूरल वर्ब। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारी हेल्पिंग वर्ब हमारी लगती है। नेक्स्ट है मेन वर्ब। मेन वर्ब होती है क्रिया, जो कर्ता कार्य कर रहा होता है इसको हम बोलते हैं क्रिया, और जिसकी सहायता से करता है, जिस वस्तु की सहायता से करता है, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर, हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर था, और सेंटेंस के टाइप्स थे, और ये सब हमारे टाइप्स होते हैं सेंटेंस। टेंस के तीन टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस।
तो इस तरह से मैंने आपको इस वीडियो में बताया है कि कैसे हम टेंस को, हमारा जो टेंस का बेसिक होता है, ठीक है। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया है अच्छे से, तो आप उन सेंटेंसेस को अच्छे से समझ पाएंगे। अगर ये नहीं समझ में आया है तो उसको अच्छे से समझिए, 2-3 बार वीडियो देखिए और आपको ये समझ में आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।